Hey guys, और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखेंगे, डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि फोर्स वेक्टर होती है बाबा, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला है। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो यार कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए एक छोटा सा डायग्राम समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और यहाँ पर मैंने इस पोजीशन पर अपना कोई चार्ज रखा है क्यू वन, और इस पॉइंट पर मैं कहीं चार्ज रखने वाला हूँ क्यू टू। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लूँ कि यार ये पोजीशन, जिस पोजीशन पर क्यू वन चार्ज रखा है, ले मैं बड़ा सा क्यू बनाता हूँ ताकि तुझे दिख जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑरिजिन है, और यहाँ पर कोई एक दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा है Q2। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर इस वाले वेक्टर को देखिए, ये वेक्टर है, इस वाले वेक्टर को मैं R1 वेक्टर लिख रहा हूँ, और इस वाले वेक्टर को मैं क्या लिख रहा हूँ, R2 वेक्टर। बात समझ में आ गई क्या? और अब ध्यान से बात सुन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने वाला जो एक वेक्टर है उसको मैं कहता हूँ R12 वेक्टर। क्या कहता हूँ? R12 वेक्टर। ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, हमने बेसिकली ऐसे टर्मिनोलॉजी बनाई है, ठीक है। अब जल्दी से जो जो मैं बोलूँ तू पॉज कर करके लिखता रहना, ठीक है। सबसे पहले मैं तुझे डिफाइन करवाना चाहता हूँ कि R1 वेक्टर कौन है। R1 वेक्टर कौन है? पोजिशन वैक्टर ऑफ चार्ज वन, पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू वन विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम Q1 चार्ज को देखें तो R1 वेक्टर कहलाएगा। तो R1 कौन हो गया? पोजीशन वेक्टर। इन द सेम वे R2 वेक्टर भी कुछ ऐसा ही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। और यहाँ पर R12 वेक्टर क्या है? ये दोनों तो पोजीशन वेक्टर हो गए, R12 वेक्टर या R2 वेक्टर, ये दोनों क्या हो गए? पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर मैं तेरे से बात कर रहा हूं R12 वेक्टर, तो ध्यान से देख इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या नाम है इसका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। बात समझ में आ गई क्या? और उसी तरह मेरे पास एक दूसरा वेक्टर भी है जिसको मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर। तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, फ्रॉम 2 to 1। बात समझ में आ गई क्या? तो इन दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है, R12 वेक्टर ऐसे है और R21 वेक्टर ऐसे है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन ये ले मैंने पिंक से बनाया ना, तो मैं पिंक से ही लिख देता हूँ इसको। लेकिन यहां पे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। ये माइनस क्या बता रहा है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। और इसका हम कह देते हैं कि लेट्स, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, R12 वेक्टर इक्वल्स टू R21 वेक्टर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों इक्वल हैं। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आई बात? और मान लेते हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, लेट से वो आर है, हमने ये माना, तो ये सारी थ्योरी है बेसिकली वेक्टर फॉर्म की। ले आराम से एक बार डायग्राम देख ले, समझ में आ गया? बहुत शानदार। अब आगे की बात सुन। तो अगर मैं फोर्स निकालने चला जाऊं इस पर फोर्स निकालूं, देख तुझे मैंने पढ़ना सिखा दिया था कि इसको कैसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। कैसे पढ़ते हैं? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। बात समझ में आ गई क्या? ध्यान से सुन, देख मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो हम डायरेक्ट लिख देते k q1 q2 by r square। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कूलम्बिक फोर्स किसको फॉलो करती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, मतलब 1 by r square के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ भी देखेंगे हम इस वीडियो में। तो यहां पर मैं फिर से वही लिखने जा रहा हूं कि q1 q2 by r square। लेकिन आज वेक्टर फॉर्म है, आज क्या है? वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन का बहुत जबरदस्त रोल है। डायरेक्शन नहीं है तो किस बात का वेक्टर? तो अगर मैं मान लूं कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या इसके ऊपर रिपल्शन लग रहा होगा? और ये वाले
इस वाली फोर्स को जो इसके ऊपर इस तरफ लग रही होगी, मैं उसको क्या कह दूंगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन वेक्टर। बहुत ध्यान से सुनना, अटेंशन अटेंशन अटेंशन, ये देख, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो मुझे इस वाली डायरेक्शन को बताने के लिए इस वाली वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि आर वन टू वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जो मैंने छोटा सा बनाया है इसको मैं कह रहा हूँ यूनिट वेक्टर ऑफ, यूनिट वेक्टर ऑफ आर वन टू वेक्टर। तो बहुत ध्यान से सुन, यहाँ पर मुझे इस वाले वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो मैं क्या कह दूंगा, आर वन टू के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर वन टू कैप। तो पहले जो लास्ट वीडियो में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है और आज जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर अगर कहीं फर्क है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसमें है। इसके आने से अब वो वेक्टर फॉर्म कहलाई जाएगी। तो इसको मैं क्या कह दूंगा, यूनिट वेक्टर, क्या कह दूंगा, यूनिट वेक्टर ऑफ आर वन टू वेक्टर। समझ में आया? और इसी बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखो, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r1 टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इनटू इस यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, r1 टू वेक्टर डिवाइडेड बाय r1 टू का मैग्नीट्यूड। सर मुझे ना यहीं पे प्रॉब्लम है कि ये कैसे लिखा गया। देख, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यहां पर वापस आके अगर मैं तुझे कुछ बात बताऊं तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देख, मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं। मैं अभी यहां पर क्या लिखने वाला हूं कि ये r12 वेक्टर कैसे लिखा जाता है। क्या बोला मैं कि r12 वेक्टर कैसे लिखा जाता है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, और अगर आपसे कोई कहे कि r, मुझे जैसे r12 वेक्टर लिखा ऐसे r21 वेक्टर भी लिखना सीखना है, तो कुछ नहीं, उस वाले केस में क्या आ जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। कहाँ की बातें हैं ये, क्लास 11th की। कहाँ की बातें हैं ये, क्लास 11th की बातें हैं। फाइनल माइनस नहीं, देख वन से टू गया तो टू वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस वन वाले का पोजीशन वेक्टर, आर आर वन टू टू गया तो क्या किया, टू वाला पोजीशन वेक्टर माइनस वन वाला पोजीशन वेक्टर, फिर आर टू टू वन गया तो अब क्या करेगा, वन वाला पोजीशन वेक्टर माइनस टू वाला पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर अब क्या हो सकता है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर वन टू की जगह क्या लिख देगा, ये लिख देगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और r1 वेक्टर माइनस, और सुन ये स्क्वायर था, सॉरी r1 वेक्टर माइनस, सॉरी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये तो हो गया वेक्टर और नीचे फिर से एक मैग्नीट्यूड है, तो क्या ये वाला मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड, क्या मैं इसको डायरेक्ट यहां पे क्यूब लिख दूं। देख ध्यान से देख, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर था ये यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया और फाइनली मैंने आर वन टू वेक्टर को ऐसे लिख दिया और जो इसका मैग्नीट्यूड था वो इसके साथ क्या आ गया प्रोडक्ट में, तो ये क्यूब बन गया। बात समझ? तो सर ये क्या इनवर्स के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं बाबा, यहाँ पे एक और वेक्टर है तो ये इसका मैग्नीट्यूड वन होता है, इसका मैग्नीट्यूड वन होता है, तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी फॉर्मूला मैग्नीट्यूड वाइज वही है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये वाली क्या बात आ गई, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन वेक्टर, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन वेक्टर। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर एक बात नोट करके लिखो, नोट करके लिखो कि क्यू वन क्यू टू को साइन के साथ पुट करोगे, पुट क्यू वन एंड क्यू टू विद साइन, पुट क्यू वन क्यू टू विद साइन। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख,
कि जब Q1 Q2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो Q1 Q2 को हमने कैसे पुट करा इस वाले फॉर्मूले में, पॉजिटिव पॉजिटिव पुट करा, तो डायरेक्शन कौन सी रही, R12 वेक्टर, समझ में आया। मान ले कि इसमें से एक भी नेगेटिव हो गया, मान ले कि इसमें से एक भी नेगेटिव हो गया, क्या ये अट्रैक्टिव पार में बदल जाएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन जो इधर है अभी उधर हो जाएगी, और उधर अगर हो गई तो कौन सा वेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, R21 वेक्टर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर, अगर नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया, तो एक नेगेटिव आते ही क्या मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये वाला माइनस साइन आते ही ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और उस दिन ये वाला यूनिट वेक्टर यूज हो जाएगा, और इसको क्या कहेगा, R21 कैप। समझ में आ गई क्या? तो यहां पर अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, लेकिन फिलहाल वेक्टर फॉर्म में मेरे पास बताने के लिए यही है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं, कि आपको क्या लिखना है, इसका उल्टा वाला लिखना है, मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर, क्या लिखना है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर लिखना है। तो बहुत ध्यान से देख कि इसमें कितना चेंज आएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, पॉजिटिव पॉजिटिव मान के लिख रहे हैं, ठीक है, बोथ Q1 एंड Q2 पॉजिटिव, हमने केस यही वाला कंसिडर कर रखा है, ठीक है। वो तो मैंने तुझको बताया कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो क्या करेगा, बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो फिलहाल इसी वाले केस के लिए, जिस केस के लिए हमने डेरिवेशन किया, अगर इसी के लिए आपको ये लिखना हो तो देखना क्या करोगे, के Q1 Q2, अभी ये वाली डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू देखने जा रहे हैं, तो कौन सा वेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया, R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बात समझ में आ गई। थोड़ा सा और एक्सपेंड अगर कर दूं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा, लेकिन मैं इसको अगर एक्सपेंड करूं, वहां हमने नीचे देखा था कि R21 वेक्टर कैसे लिखा जाता है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ऊपर क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बात समझ में आ गई क्या? तो नीचे वाला मैग्नीट्यूड है, नीचे वाला क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये हमारी क्या आ गई, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वैक्टर। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, जल्दी से कॉपी कर ले। कॉपी कर लिया होगा, चल बहुत शानदार। तो यार एक आखिरी बात ऐसे ही तेरे नोट करने के लिए कि याद रह जाए तुझको, देख जनरलाइज्ड फॉर्म है, मैं थोड़ा सा रब करके तुझे बताता हूं। तो यार एक छोटी सी चीज और देख ले बस, कि याद नहीं रहती जिन बच्चों को उनके लिए, कि मान ले कि ऐसे है कुछ Q1 है और ये कोई Q2 है, सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा वेक्टर यूज़ करूं, बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से देख बाबा, इस वाले को क्या कह रहा हूं मैं, R12 वेक्टर, 1 से 2 जाने वाला, और ये जो नीचे से उधर की तरफ जाता है ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, R221 वेक्टर, ये वाला, ठीक है। तो ध्यान से सुन, जो ये वाली फॉर्म है के, जो अगर हम बात करें फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब सर मुझे यहाँ ही दिक्कत है, तो मैंने कहा देख R वेक्टर लिख और R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब लिख। अब ये R वेक्टर कौन सा यूज करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है वो वाला वेक्टर यूज करेगा, बात समझ में आ गई। आर वेक्टर का हेड वहां होता है जहां फोर्स लग रही होती है, मतलब कौन सा यूज करेगा, अगर ऐसे फोर्स लग रही है तो ये वाला, और ऐसे फोर्स लग रही है तो ये वाला। तो ये वाला वेक्टर के लिए बस मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसका हेड वहां होता है, इसका हेड लिख लेना तू भी, तेरे तुझे याद रहेगा, इसका हेड डेरिवेशन करने में भी बड़ी हेल्प करेगा तुझको, ये आर वेक्टर का हेड वहां होता है, इसका हेड वहां होता है जिस डायरेक्शन में, या जहां फोर्स लग रही होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स
लग रही होती है। बात समझ में आ गई क्या? बस वेक्टर फॉर्म में इतना ही है मेरे पास तुझे बताने के लिए, ठीक है? एक छोटी सी एप्लीकेशन देखते हैं इसकी, फिर आगे चलते हैं। तो यार यहाँ पर चार चार्ज रखे हुए हैं, मैंने कहा तीनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है? कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू, और क्या बोला मैंने, कैपिटल क्यू, और इस वाले का भी चार्ज कैपिटल क्यू। इसको मैंने क्या कह दिया, पॉइंट ए कह दिया, इसको मैंने पॉइंट बी कह दिया, इसको मैंने पॉइंट सी कह दिया, और इसको मैंने पॉइंट डी कह दिया, ठीक है? और मैंने आपसे कहा फाइंड एफ नेट ऑन सी, मतलब सी पर नेट फोर्स निकालनी है। बात समझ में आ गई कि ये सवाल है, और बहुत ही जनरल सा सवाल है। एच सी वर्मा की बात कर, दिनेश की बात कर, प्रदीप की बात कर, किसी की भी बात कर, कोटा की बात कर, कहीं भी मटेरियल में देख ले, ये सवाल मिलेगा, बहुत बेसिक सा सवाल है। दिन तो सी पर नेट फोर्स निकालनी है, तो एक फोर्स इसके ऊपर इस वाली डायरेक्शन में आएगी, और इस वाली फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। बात समझ में आ गई क्या? इस वाली फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये वाली फोर्स कौन सी कहलाई जाएगी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, ठीक है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी। और ये वाली फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये वाली फोर्स ऐसे आएगी, और इसको हम क्या कह देंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। चलो भाई आगे। भाई देखो भाई, इस वाले की अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितनी आएगी, या मैं चल रुक जा, अलग ही कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, इधर देख। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी का मैग्नीट्यूड अगर देखेगा तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय, अच्छा मास्टर तूने डिस्टेंस तो दिया ही नहीं, ले 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, तेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। अब एफ सी डी देखिए तूने, अभी एफ सी बी को देख सर, वो भी इतनी ही आने वाली है। समझ में आ गई क्या? तो ये दोनों ही इक्वल हैं, चाहे तू एफ सी डी की बात कर, चाहे एफ सी बी की बात कर, ये दोनों इक्वल हैं। बात समझ में आ गई? अगर ये वन वन है तो ये जो बीच में ये ए सी है, ये कितना होगा, √2। बात समझ में आ गई क्या? तो एफ सी ए अलग से मैं लिखूंगा, तो एफ सी ए कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर। तो कितनी आ गई ये, के क्यू स्क्वायर बाय 2। बात समझ में आ गई? और वो कितनी आई, के क्यू स्क्वायर, कितनी आई वो, के क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से सुन, क्या मेरे पास सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, लेकिन उसके अंदर तो मैं दो दो फोर्स पकड़ता हूँ। तो ध्यान से देख, क्या मैं इस वाली फोर्स और इस वाली फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लूँ, और ये दोनों अगर इक्वल हैं और इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो ध्यान से सुन कि एक फोर्स इधर आने वाली है जिसको मैं क्या कह दूंगा, एफ स्टार, जो कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होगी, ठीक है? और वो इसी एंगल पे, यहीं इसी के अलोंग आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल तो 45 डिग्री है ही, ये दोनों इक्वल हैं। अगर तू वेक्टर पढ़ा हुआ है 11th क्लास का, अगर इक्वल इक्वल दो फोर्स 90 डिग्री पर लगी हों, एक नीचे और एक इधर, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे देख ले कि दो फोर्स हैं, एक इधर है और एक इधर है, तो इन दोनों, अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे इधर आता है, और √2 टाइम्स ऑफ आइदर दिस फोर्स और दिस फोर्स। तो मैं अगर एफ स्टार की बात करूं, मेरे पास अगर एफ नेट की बात करें, तो एफ नेट क्या आएगा, एफ एफ नेट जो यहां पे आने वाली है, तो सी पॉइंट कहां पे स्पेस है मेरे पास, यहां पर, तो सी पॉइंट पे अगर तू देखे तो एक फोर्स ये आ जाएगी एफ स्टार, और एक फोर्स इधर ही कौन सी आई हुई है, एफ सी ए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ही मेरा आंसर है। तो एफ स्टार को देख ले बस, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट आने वाला है। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ रही बात? तो एफ स्टार क्या हो जाएगी, √FCD का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर। इसके आगे मैं कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो ये क्या आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ KQ स्क्वायर। तो एफ नेट ऑन सी जो कि किसके इक्वल थी, एफ नेट किसके इक्वल थी कि सर, एफ नेट
ऑन सी इज इक्वल टू एफ स्टार प्लस एफ सी ए का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई क्या? तो किसके इक्वल आ जाएगा? रूट टू के क्यू स्क्वायर प्लस, और एफ सी ए किसके इक्वल है? के स्क्वायर बाय के क्यू स्क्वायर बाय टू। तो ये रहा आंसर। बात समझ में आ गई क्या? ये रहा आंसर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कूलम्स लॉ इन मीडियम की बात करने वाला हूँ। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।